Good morning, students. How are you? So let us start with the topic. So our topic is chapter electricity. So we are doing the numerical portion of this chapter. So let us start some more numericals. Question is, for a metallic conductor, the current versus voltage graph is drawn at two different temperature, T1 and T2. From the graph, what should be the possible answer you get from the graph? So main graph bana raha hu yahan par. So means आपके पास क्या है कि एक मेटलिक कंडक्टर के लिए आपको एक ग्राफ दिया गया है. VI ग्राफ means VI ग्राफ is given for a metallic conductor और उस कंडक्टर के लिए आपको टेम्परेचर का भी ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, उसमें उस ग्राफ के स्लोप पे मेंशन किया हुआ है कि this is for T1, this is T2. So you have to identify what is the possible answer for the temperatures. So problem one. ग्राफ बना रहा हूं यहां पर. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड अलोंग वाई एक्सिस देर इज वोल्टेज, अलोंग एक्स एक्सिस देर इज करंट. सो इट इज अ वीआई ग्राफ एंड इन दिस ग्राफ टू स्लोप्स आर गिवन. One is for T1 and one is for T2. So there are four options in this. So either T1 is equal to T2, T1 is greater than T2, T1 is less than T2, or option is None of these. So VI graph आपको दिया हुआ है. So along y axis voltage is varying and along x axis current is varying. So this is the slope. You know that कि VI graph का जो slope है वो हमें क्या देता है, वो हमें किसी भी material के लिए resistance के बारे में बताएगा. So here it is mentioned that this graph is for metallic conductors. तो ये graph किसके लिए है? Conductors के लिए है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्लोप है ये क्या बता रहे हैं, दिस विल टेल द रेजिस्टेंसेस. सो लेट अस फाइंड फर्स्ट रेजिस्टेंस. इट मींस हमें वीआई ग्राफ से क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा. और वी नो दैट फॉर ए मेटलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द मेटलिक कंडक्टर विल इंक्रीज. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस जो है वो मेटलिक कंडक्टर के लिए बढ़ेगा. इट मींस मेरे पास क्या है, सिर्फ एक यही फॉर्मूला है जो कि रेजिस्टेंस को टेम्परेचर से रिलेट करता है. तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि वीआई ग्राफ में जो स्लोप है वो क्या देगा, वो मुझे रेजिस्टेंस बताएगा. तो क्यों ना मैं यहां पर दोनों स्लोप के रेजिस्टेंस निकाल लूं. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, फॉर द मेटलिक कंडक्टर्स रेजिस्टेंस विल बी लार्जर फॉर द ग्रेटर टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा. ठीक है, लेट अस फाइंड. सो दिस इज लेट अस, दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल फाइ, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D. So in triangle OAB, we know that slope of the graph मैंने आपको बताया था कि m होता है, और m is equal to क्या होता है, tangent theta. अगर m याद नहीं रहता आपको तो आप मैंने स्टेट करने की क्वेश्चन बताई थी y is equal to mx plus c, जहां पर m क्या है, स्लोप है. ठीक है, और अगर आप m निकालोगे तो क्या निकलेगा, इन ट्राइंगल ओ बी. तो ये तरीका है कि आप इस रेक्टलिस को याद रखो कि स्लोप जो होता है वो टेंजेंट ऑफ द एंगल होता है. एंड वी नो दैट टेंजेंट ऑफ एनी एंगल विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस फॉर दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल. किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो टेंजेंट थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है. तो यहां पर देखोगे सो क्या है, सो व्हाट इज दिस, दिस इज
delta V, and this is delta I. Similarly, this is delta I and this is delta V. So in triangle OAB, tangent of theta will be AB by OB. AB kya hai? Delta B. This is also delta I. So tangent theta kya aa gaya? Ye aa gaya. Theek hai? Aur ye kya hai mera? This is called slope. Aur ye kya hota hai mera? Resistance ki value deta hai. Theek? So delta B by delta I. यहां पे निकल गया चीज, ठीक है, इसको ही छोड़ देते हैं. सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ सी डी टेंजेंट ऑफ फाइव कितना होगा? टेंजेंट ऑफ फाइव डेल्टा वी बाय डेल्टा आई. डेल्टा वी बाय डेल्टा आई विल गिव यू आर एंड दिस इज कॉल्ड स्लोप. क्या देगा? स्लोप देगा. ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल में मैंने स्लोप निकाल लिया. ओके, सो नाउ व्हाट टू डू. अब देखिए डेल्टा वी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक, और डेल्टा आई की वैल्यू क्या है? कम है. सिमिलरली यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू कम है और डेल्टा आई की वैल्यू ज्यादा है. तो सम लार्जर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय लेसर क्वांटिटी विल गिव मोर वैल्यू, मींस आर विल बी मोर. सम लेसर वैल्यू डिवाइड बाय लार्जर वैल्यू विल गिव यू सम लेसर क्वांटिटी. मीन्स इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा. तो इस केस मीन्स इस T1 के लिए, सो फॉर T1 R1 मीन्स हाई एंड फॉर T2 R इज लेस. मीन्स टेम्परेचर T1 के लिए जो R है वो क्या है? वो हाई है और इसके लिए R क्या है? लेस है. इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ने से मेटलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है और टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज होता है. इट मींस वी कैन से दैट कि एज आर फॉर टी वन एट टी वन इज ग्रेटर देन आर एट टी टू, सो वी कैन राइट दैट टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. मींस ये वाला आंसर आ जाएगा, टी वन इज ग्रेटर देन टी टू. तो बहुत सिंपल था कि आपको एक मेटलिक कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ दिया हुआ है, उस वी आई ग्राफ में आपको टेम्परेचर भी मेंशन किया हुआ है एंड वी नो दैट कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ विल टेल अस अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और द मटेरियल. तो इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अगर मैं ये स्लोप देखता हूं, इस स्लोप में डेल्टा वी बाय डेल्टा आई विल गिव यू टेन थीटा एंड टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप. तो स्लोप क्या है? स्लोप इज द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस इफ द एंगल इज अलोंग एक्स एक्सिस. क्योंकि एंगल मेरा किसके साथ है? एक्स के साथ बना हुआ है. तो वाई बाय एक्स इट मीन्स डेल्टा वी बाय डेल्टा आई एंड वी नो दैट डेल्टा वी इज ग्रेटर एंड डेल्टा आई इज स्मॉलर. ओके, नाउ इन दिस ट्राइंगल टेंजेंट फाइव अगेन दिस डिवाइड बाई दिस, तो डेल्टा वी दिस डेल्टा वी इज लेस देन दिस डेल्टा वी. तो ये डेल्टा वी जो है वो इससे छोटा है और डेल्टा आई की वैल्यू क्या है? इससे बड़ी है. तो अब कैसे करें कंक्लूड कि कोई भी ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर क्वांटिटी को अगर हम स्मॉल क्वांटिटी से भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो ज्यादा आएगी. और हम इसके कंपैरिजन में डेल्टा वी क्या है? कम है. मींस स्मॉलर क्वांटिटी को ग्रेटर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये लेसर वैल्यू आएगी. इट मींस इस केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा? ज्यादा आएगा, इसमें कम आएगा. इट मींस फॉर दिस टी वन स्लोप इज दिस एंड फॉर दिस टी टू स्लोप इज दिस. इट मींस टी वन के लिए जो टी वन स्लोप है, मींस टेम्परेचर टी वन के लिए जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है और टेम्परेचर टी टू के लिए क्या रेजिस्टेंस? कम है. एंड वी नो दैट फॉर द मेटलिक कंडक्टर्स the resistance is directly proportional to the temperature, so we can say that as the resistance of for T1 is greater than T2, it means temperature T1 is greater than T2. This is the solution. ठीक है, go to next question. Problem 2. तो अब एक्चुअली क्या होता है, जनरली ना क्वेश्चन सीधा नहीं आता. तो वो क्वेश्चन हमें क्या पता है कि वी आई ग्राफ का स्लोप जो है वो हमें क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है. लेकिन क्वेश्चन में क्या करते हैं वो, लेट अस अज्यूम प्रॉब्लम 2.
problem to a having graph I versus V, current voltage graph, ठीक है, और इसमें आपको ये T1 दे दिया और ये T2 दे दिया, T1 T2, ठीक है। सो यहां पर भी आपको इस ये ग्राफ किसके लिए है, मेटलिक कंडक्टर के लिए है। सो फॉर द मेटलिक कंडक्टर दिस ग्राफ इज गिवन टू यू, क्योंकि मैं देखो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन तो हम इधर ही निकाल लेते हैं, तो अगर आपको रिलेशन उल्टा दे दे, मींस अगर वी आई ग्राफ में देखिए आई वी ग्राफ दे दे, तो वहां प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आई वी ग्राफ दे दिया है, तो आई वी ग्राफ किसके लिए आई है, ये मेटलिक कंडक्टर के लिए है। फॉर द मेटलिक कंडक्टर दिस आई वी ग्राफ इज करंट वोल्टेज ग्राफ इज गिवन टू यू एंड दिस टी वन एंड टी टू आर द स्लोप्स एट टी वन एंड टी टू। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड वेदर टी वन इज इक्वल टू टी टू हेयर, T1 is greater than T2 here, T1 is less than T2 here, or none of these। तो क्या करेंगे, अभी करंट वोल्टेज ग्राफ है, तो सिमिलरली जैसे हम यहां पर बनाएंगे, सो दिस इज डेल्टा आई, दिस इज डेल्टा बी, दिस इज डेल्टा बी and this is your delta। So for T1 means for triangle OAB and OCB, and triangle OAB क्या होगा, मान लीजिए ये एंगल मैंने थीटा ले लिया और ये एंगल मैंने ले लिया phi, so tangent of theta क्या होगा, AB means perpendicular by बेस, दैट इज डेल्टा बी बाय डेल्टा आई, डेल्टा बी बाय डेल्टा आई, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एंड दिस इज नथिंग, इट इज अ स्लोप, ठीक। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओसीडी टेंजेंट ऑफ फाई क्या आएगा, सीडी बाय ओडी, परपेंडिकुलर बाय बेस, सीडी इज डेल्टा बी and OD is delta I, what is delta V delta I, delta V and delta I are the small change in the voltages and the current respectively, so delta V delta I, so now here it is delta V delta I, so see delta V, this delta V is less than, sorry this delta V is greater than this delta V and this delta I is less than delta I, so ye delta V ki value is delta V se ज्यादा है, ठीक, ये वैल्यू ज्यादा है और ये सॉरी ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक। तो जब किसी लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी डिवाइड करेंगे इट विल गिव यू लेसर क्वांटिटी, सॉरी लार्जर क्वांटिटी, सो आर विल बी ग्रेटर जब दिस, अब ये डेल्टा बी जो है, डेल्टा बी इस डेल्टा बी से छोटा है और डेल्टा आई क्या है, इस डेल्टा आई से बड़ा है, सो दिस इज मोर एंड दिस इज लेस, सो lesser quantity divided by smaller quantity, so this is a lesser quantity and divided by larger quantity will give you smaller value, it means yahan par kya aa jayega, r ki value small aa gayi, so the slope at t2 will give you lesser value for resistance and slope at t1 will give you ग्रेटर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सी लिए हमने ये डायरेक्टली निकाला, जल्दी यही गलती करते हैं, देखिए अब यहां पे क्या डेल्टा बी डेल्टा आई है, नहीं है, मैंने क्यों लिखा डेल्टा बी डेल्टा आई, क्योंकि जल्दी बच्चे यही गलती करते हैं, यहां पर आई है यहां पर वी है, ठीक, तो इट मीन्स यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए डेल्टा आई बाय डेल्टा वी, क्या आना चाहिए, ए बी क्या है, ए बी इज योर डेल्टा आई, डेल्टा बी डेल्टा आई और डेल्टा वी, तो यही गलती बच्चे करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ वी आई ग्राफ का पता होता है और जब भी करंट वोल्टेज ग्राफ आ जाए तो दे विल गेट कंफ्यूज। तो क्या होगा, सिमिलर फंडा लेके चलना है, टेंजेंट ऑफ थीटा क्या होगा, दिस डिवाइड बाय दिस, तो ये कितना है, दिस इज योर डेल्टा आई, दिस इज योर डेल्टा वी, सिमिलरली ये क्या है डेल्टा आई और ये क्या है डेल्टा वी, तो ये चेंज इन करंट है, ये चेंज इन वोल्टेज है, क्योंकि अब करंट वाई एक्सिस पे है और वोल्टेज एक्स एक्सिस पे है, so this is change in current, change in voltage, so delta I by delta V, so we know that
delta I by delta V will give you value of conductance. It means this is your 1 by R. ये क्या देगा? 1 by R देगा. It means this is your conductance. क्योंकि I by V क्या होता है? 1 by R होता है. Because V by I is equal to R. So 1 by R will be equal to I by V. So it is G. I by V is nothing, it is G. Means इस T1 के लिए अगर मैं स्लोप की बात करूं तो ये जो स्लोप है वो क्या है? डेल्टा आई बाय डेल्टा वी मीन्स चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन वोल्टेज विल गिव यू वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस नॉट रेजिस्टेंस. रिमेंबर दिस थिंग. क्योंकि ग्राफ क्या है? करंट और वोल्टेज ग्राफ है. तो करंट वोल्टेज ग्राफ में जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? वो आपको क्या बताएगा? वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस बताएगा, नॉट रेजिस्टेंस. सो डेल्टा आई बाय डेल्टा वी. अब कंक्लूजन निकालने का वही तरीका है कि इस केस में डेल्टा आई की वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा वी की वैल्यू कम है, और इस केस में डेल्टा आई की वैल्यू कम है और डेल्टा वी की ज्यादा है. सो व्हेन अ लार्जर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्वांटिटी विल गिव यू द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस मोर. इट मीन्स इसमें कंडक्टेंस क्या है? मोर हो जाएगा. सिमिलरली व्हेन अ लेसर वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रेटर वैल्यू विल गिव यू वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस लेस. तो अगर कंडक्टेंस ज्यादा हुआ इसका मतलब क्या हुआ? R कम हुआ. और कंडक्टेंस कम हुआ तो R ज्यादा हुआ. इसका मतलब क्या हुआ? अब R, अब ये स्लोप क्या बता रहा है? दिस स्लोप विल टेल यू द कंडक्टेंस. तो एट T1 द वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस इज हाई, इट मींस रेजिस्टेंस विल बी लो. एट T2 द कंडक्टेंस विल बी लो, मींस रेजिस्टेंस विल बी हाई. एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर. सो एज द रेजिस्टेंस फॉर टेंपरेचर T2 विल बी ग्रेटर, इट मींस here T1 is less than T2, means T2 is greater than T1, means ये जो temperature है जिस पर resistance कम है वो क्या है? वो कम है. और जिस temperature पे resistance आपका ज्यादा है वो ज्यादा है. so T1 is less than T2. so this is the solution of this question. so और again repeating this problem, तो ये आपको current voltage graph दिया हुआ है. तो इस करंट वोल्टेज ग्राफ में ये आपको स्लोप दे दिया T1 के लिए, ये T2 के लिए. तो ये स्लोप क्या बता रहा है? T1 टेम्परेचर, और ये बता रहा है T2 टेम्परेचर. तो हमें पता है कि किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है हमें? उसका रेजिस्टेंस. लेकिन अगर वो क्या हो? अगर यहां वोल्टेज और यहां करंट हो, अगर यहां करंट है और यहां वोल्टेज है तो क्या बताएगा? सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. अगर ये याद है तो सिर्फ ये याद रखो, टेंजेंट थीटा मीन्स टेंजेंट ऑफ एंगल निकालना है. तो यू नो दैट कि टेंजेंट ऑफ एंगल क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. सो इन ट्राइंगल, अब T1 किसके लिए है? OAB. मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया T1 से, क्योंकि ये स्लोप यहां तक है और ये स्लोप यहां तक है. सो इन ट्राइंगल OAB, OAB में जो ये एंगल कितना है? टेंजेंट थीटा. ये क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये क्या है आपका? करंट. और ये क्या है? वोल्टेज. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू AB बाय OB. AB कितना है? चेंज इन करंट. कि ये वैल्यू जो करंट की है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये क्या होगा? चेंज इन करंट डिवाइड बाय चेंज इन वोल्टेज. ठीक. अब इसी तरह यहां पे आ जाते हैं OCD में. ट्रायंगल OCD में टेंजेंट फाई क्या है? स्लोप है. परपेंडिकुलर बाय बेस, इट मींस दिस इज CD बाय OD. CD क्या है? चेंज इन करंट. और ये क्या है? वोल्टेज. अब देखिए चीज, इस ट्रायंगल की अगर बात करें, ये जो वैल्यू है वो इससे ज्यादा है, इट मींस ये वैल्यू इससे ज्यादा है और ये वैल्यू इससे कम है. तो ये वैल्यू इससे कम है. अब देखिए, ये ज्यादा है तो ये कम है और ये कम है तो ये ज्यादा है. तो अगर मैं किसी ज्यादा वाली वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो ज्यादा आंसर आएगा. इट मींस मेरी वैल्यू जो भी आएगी क्या आएगी? ज्यादा आएगी. अब देखिए, अब क्योंकि V by I क्या होता है? R होता है. और I by V क्या होगा? 1 by R. वो क्या होता है? कंडक्टेंस. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो स्लोप आएगा वो मेरा क्या आएगा? वो मुझे कंडक्टेंस की वैल्यू बताएगा कि G क्या है? ज्यादा है. सिमिलरली लेसर वैल्यू डिवाइड बाई ग्रेटर वैल्यू विल गिव यू लेसर वैल्यू. इट मीन्स I by V क्या होता है? कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस कितना आ गया? कम आ गया. अब लेकिन मुझे तो इतना पता है कि टेम्परेचर का रिलेशन किससे होता है? रेजिस्टेंस से होता है. तो
जी का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और यू नो दैट कि ये जो ग्राफ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ग्राफ मेटलिक कंडक्टर के लिए है, और मेटलिक कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या हुआ? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ वो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो ये रेजिस्टेंस कम है, ये किसके लिए था? ये टी वन के लिए है। इसका मतलब टी वन इज लेस देन टी टू, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। टी वन इज लेस देन टी टू। अगर ये आर ज्यादा आता और ये आर कम आता, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने किया था वहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि आई वी, देखो अगर आई वी ग्राफ के लिए ये चीज ये है, तो अगर ये वी यहां होता आई यहां का उल्टा हो जाता। अगर ये वी यहां होता और आई यहां होता, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अभी किया है, तो यहां आर ज्यादा आया था यहां आर कम था। इट मीन्स जिस भी, अगर ये ग्राफ मेटलिक कंडक्टर के लिए है इसमें बताया हुआ है, तो मेटलिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होगा तो घटेगी। तो ये वैल्यू यहां पर कम है तो मीन्स टेम्परेचर कम है, ये ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा है। इट मीन्स टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, तो टी टू ग्रेटर देन टी वन कोई ऑप्शन दिया नहीं हुआ यहाँ पे, इट मीन्स टी वन इज लेस देन टी टू। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Let us come to problem number 3. तो problem number 3 में क्या है कि आपके पास दो resistance हैं, अगर दोनों resistance series में लगा दिए जाएं, उनका answer क्या है? 40 ohm आता है। So two resistance connected in series will give you value 40 ohms. तो दो resistance हैं, उनका answer अगर series में आए तो क्या है? 40 ohm आ रहा है। और उन्हीं दोनों को अगर parallel में connect कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 6.4 ओम। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 6.4 ओम। सो क्वेश्चन है, पहले से पहले हम क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं आर वन एंड आर टू। तो ऐसा क्वेश्चन आई थिंक एक एक्सरसाइज नंबर 3 में जो 110 क्वेश्चन किए थे वहां पे भी आया था। सो आर वन आर टू, तो अगर रेजिस्टेंस में होता सीरीज में होता तो क्या करते हैं? आर वन प्लस आर टू। तो क्या कह रहा है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों का सम क्या है? 40 ओम। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हेन टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इट विल गिव यू 40 ओम, व्हेन टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल, एंड वी नो दैट कि पैरेलल के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, कि दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का सम किसके इक्वल होगा, दैट इज 6.4 ओम के इक्वल दे रखा है। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब इस फर्स्ट से ये वैल्यू पुट कर लेता हूं, मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट पहली और दूसरी, इसका यूज हमने यहां पे कर लिया, इसकी वैल्यू कितनी है? 40 है। तो मींस आर वन इंटू आर टू इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू इंटू 6.4, इसकी वैल्यू कितनी है? 40। सो 40 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इट इज 256। आर वन आर टू कितना आ गया? 256 आ गया। ठीक, अब एक ऑप्शन तो यहां पर ये है कि आर वन की वैल्यू निकाल लो या आर टू निकाल लो, किसी भी एक की वैल्यू निकालकर यहां पुट कर दो। लेकिन ऐसा करने पे यहां पे अगर आर वन की वैल्यू पुट करते हो तो वो क्या आएगी? 256 बाई आर टू आएगी। तो यहां सोल्व कर रहे हो आपके पास क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो सोल्व करनी मुश्किल हो जाएगी। तो लेट अस यूज सम आइडेंटिटी। देखिए ये आर वन प्लस आर टू है, तो जब तक मेरे पास आर वन माइनस आर टू की वैल्यू नहीं आएगी तब तक मैं इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्यों ना आइडेंटिटी यूज कर लूं? तो जनरली आइडेंटिटी क्या होती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये स्क्वायर कब आएगा? ये इसका होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो क्योंकि यहां से क्या आएगा? दिस विल गिव यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। So you will remaining with a square plus b square minus 2ab, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक इसमें क्या पर यहां r1 है, तो r1 minus r2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस 4 r1 r2 r1 r2। लेट अस पुट द वैल्यू 40 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 256 कितना आ गया? 1600 माइनस 4 6 जा, तो दिस इज योर
1024, ठीक, 4 into 24, 4 into 20, 24, 8 और 8 to 10, ठीक है, कितना आ गया, 10 में से 4 गया 6, so 9 में 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5, तो R1 minus R2 का whole square, and we know that this is the square of 24, so R1 minus R2 का square will be equal to 24 का square, it means R1 minus R2 कितना आ गया, 24 आ गया, this is your first, second, this is third, this is your fourth equation, so now R1 minus R2 value कितनी आ गई, 24 आ गई, so from first and fourth, so from first and fourth, तो क्या होगा, R1 plus R2 is equal to 40, R1 minus R2 is equal to 24, so cancel out, so R plus R2 is, sorry, R1 plus R1 is 2R1, ये कितना आ गया, 64, so R1 कितना आ गया, R1 is equal to 32, so R1 कितना आ गया, 32 ohm, so R1 कितना आ गया, 32 ohm आपका R1 आ गया, ठीक है, so R1 32 ohm आ गया, so now put the value of R1 either here or here, मर्जी आप किसी पुट कर सकते हो, तो अगर मैं इसमें पुट करता हूं, तो R1 minus R2 is equal to 24, so R1 निकालना क्या, R2, तो minus उसको R2 उधर ले जाते हैं, R2 will be equal to 24 minus R1, so minus R2 is equal to 24 minus 32, that is minus 8, और minus से minus कैंसिल, तो R2 कितना आ गया, R2 8 ohm, R2 कितना आ गया, 8 ohm, तो R1 कितना आ गया, 32 ohm आ गया, और R2 कितना आ गया, 8 ohm, तो आप कंफर्म भी कर सकते हो, 32 plus 8, 40, 32 plus 8, 40, and 32 into 8 divided by 32 plus 8, कितना हो गया, so it is 32 into 8 divided by 40, 8 एक मार्ट, 40, 5 से करो क्या आएगा, 6.4 आ गया, so it means answer is confirmed, कि R1 जो है, 32 आया, R2 कितना, R2 आया, तो देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक जब बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके को फॉलो करते हैं, यहां से जब R1 निकालोगे, R2 निकालोगे, तो वो मुश्किल हो जाएगी, वहां पे आपका टाइम को जो टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि क्वाड्रेशन बनेगी, उसको शिफ्ट करोगे, वहां फैक्टर बनाओगे, टाइम लग जाएगा, तो बेटर है कि आइडेंटिटी यूज करो और जल्दी जल्दी सोल्व कर लो, तो R1 कितना आया, 32, R2 इज 8 ओम, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम आर द रेजिस्टेंस व्हिच इज गिवन टू यू, तो क्या दे रखा है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम के रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, तो वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंसेस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो 4 ओम 8 ओम 12 ओम और 24 ओम के आपको चार रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, so 4 ohm 8 ohm 12 ohm 24 ohm, तो चार रेजिस्टेंस आपके दे रखे हैं, तो हमें निकालना है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, हाईएस्ट वैल्यू कब आती है, द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंसेस वी विल गेट इन सीरीज, इट मींस हम क्या करेंगे, इसका सीरीज निकाल देंगे, क्या बनेगा, 4 plus 8 plus 12 plus 24, 24 plus 12, 36, 36 plus 8, कितना होगा, 44 plus 4, 48 ohm, तो आंसर कितना आ गया, the highest value of the resistance will be 48 ohm, तो 8 plus 4, 12, 12 plus 12, 24, plus 24, 48 ohm, तो lowest value, we know that कि lowest value कब आती है, कि lowest value तब आती है, जब हम resistance को parallel में add करते हैं, so 1 by rp, यहां पे क्या लिख लो, parallel, 1 by rp is equal to 1 by 4, 1 by 8, 1 by 12, 1 by 24, so LCM कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा,
4, 6 are 24, 8 are 24, 12 are 24, 24 are 24. So 1 by RP. So 1 by RP is equal to 6 plus 3, 9 plus 2, 11 plus 1, 12, 12 by 24. And RP kitna aa gaya? 24 by 12 and RP will be equal to how much? 2 ohm. Kitna aa gaya RP? 2 ohm aa gaya. So parallel value resistance will be 2 ohm. Clear? So this is the way how to find the highest value of the resistances and lowest value of the resistances. ठीक है? Let us come on to next problem. Problem number 5. Problem 5 क्या है? कि आपको एक लैंप दिया हुआ है, मींस एक बल्ब दिया हुआ है, वो दो उसकी रेटिंग है 220 वोल्ट 10 वोल्ट. तो एक लैंप की रेटिंग 220 वोल्ट और 10 वोल्ट है और वो पूछ रहा है कि इसमें से करंट कितना होगा, मींस इसमें इस लैंप में से करंट कितना फ्लो करेगा. तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, P इज इक्वल टू वी आई. तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है कि हमें एक बल्ब दिया हुआ है, उसकी रेटिंग क्या है 220 वोल्ट है और 10 वोल्ट मींस 220 वोल्ट और 10 वोल्ट का बल्ब है. तो वो पूछ रहे हैं कि कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, मींस डायग्राम क्या बनेगा. दिस इज अ बल्ब, दिस इज करंट, मींस सिंपली क्या निकालना है आपको, आई. आई क्या होगा, पी बाय वी. पी कितना है 10 डिवाइड बाय 220 वोल्ट. तो इधर हाउ मच, सो ये अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.0 कितना आएगा 22.488 कितना आएगा 12 120. सो 22 88, तो दिस इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पियर, और यू कैन राइट 45 मिली एम्पियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट ड्रोन बाय द बल्ब और द लैंप. ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केयर, गुड बाय.